नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की भारत और समकालीन विश्व के बारे में। भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है कक्षा 9वीं की, उसी को देख रहे थे। तो इसमें हम लोग दो चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। दूसरा लास्ट चैप्टर था आपका यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को हम लोगों ने देखा था। आज हम बात करेंगे नाक्सीवाद और हिटलर का उदय देखेंगे। याद रखिए, बार बार बोलता आया हूं कि अगर आप सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। ठीक है, तो समय रहते से पढ़ लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं नाथसीवाद और हिटलर की उदय के बारे में। 1945 के वसंत में हिलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था, तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या फिर अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहियों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया था। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत तो गाए और खूब सारा वक्त खेलने कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह अक्षर अभी भी जिंदा है। जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही चला दिया गया था, हेलमुट ने जो कुछ सुना था, जो कुछ छुआ, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा हुआ कि अगले 9 साल बाद तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। कौर भी उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर ना दे दे। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाथसी थे। क्या थे? नाथसी। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाथसियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नाक्सीवाद सिर्फ इस इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया उस राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाक्सीवाद का मतलब क्या होता है आखिर। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज से डरे हुए थे। याद रखिए, अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो बेहतर होगा आपको और समझ में भी आएगा। ठीक है, रटना आपको कुछ भी नहीं है, अच्छे से पढ़ते जाना है। थोड़ा फोकस देकर जो आपके पॉइंट आपके लिए जरूरी है उन पर थोड़ा और मन से अच्छे से फोकस दे लिया करेगा। और याद रखिए, सिविल सर्विस फिर या स्टेट पीसीएस कोई रटने का काम नहीं है। ठीक है, आपका समझने का काम है। हो सकता है आप रट कर, वन लाइनर रट कर स्टेट पीसीएस का प्री निकाल लें, लेकिन लिखना तो मैं से वहां आपकी समझदारी ही काम करेगी, इसलिए आपको पढ़ना है अच्छे से। इस पिक्चर्स को देख रहे हैं आप लोग, ए हिटलर मध्य और गियोबल्स बाय सरकारी बैठक के बाद बाहर निकलते हुए 1932 की फोटो है। मित्र राष्ट्र कौन थे? मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ
और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी कि जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया था। तो याद रखिए, मित्र राष्ट्र में आपके ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से? धुरी शक्तियों में आपका जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे। ठीक है, मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर उसके प्रचार मंत्री ग्योबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। खुद युद्ध युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाक्सी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाए ने का जिम्मा सौंपा गया। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए। उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा भी की गई। ये कृत्य क्या थे आखिर? दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंघार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाली कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मनी नागरिक भी मार डाले गए इसमें। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाथियों को ही मौत की सजा दी, बाकी आरोपियों में से बहुत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाथियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। पहला विश्व युद्ध का 1914 से 1918 तक चला था। ठीक, बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाक्सी जर्मन के उदय में योगदान दिया था। क्योंकि आपने देखा होगा, पहला विश्व युद्ध जर्मनी हार चुका था, उस पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए गए थे। नाक्सी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नाक्सियो नाल नाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाए गए। नाक्सियो नाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाक्सी कहा जाता था। बात करते हैं वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी विजय मिल जाएगी। सभी को किसी ना किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की में शामिल हो गया, तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्हें केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी के पराजय और सम्राट के पद त्याग ने
त्यागने पर वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइकस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, यानी कि सबको मत देने का अधिकार दिया गया, वोट। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। वर्साय की संधि भी बोलते हैं, यह आपकी फर्स्ट विश्व युद्ध की पहले विश्व युद्ध के बाद भी थी जर्मनी के साथ। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहे भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही का ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुए सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया। किस पर? जर्मनी पर। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि इसे आप कहानी की तरह सुने या फिर पढ़े, क्योंकि इसमें आप खुद जान रहे हैं, देख रहे हैं कि नॉर्मल शब्द दिए गए हैं। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है? तो बेहतर है कि आप जल्दी जल्दी इन बुक्स को खत्म करें। और आपके लिए PDF, अगर नहीं है आपके बुक पास बुक, तो PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। वर्साय की संधि के बाद जर्मनी, इस नक्शे में आप उन इलाकों को देख सकते हैं जो संधि के बाद जर्मनी के हाथ से निकल गए थे। ये आपका जर्मनी है, देखिए। और जर्मनी से ले लिए गए जमीनें हो गई, ठीक है, देख रहे होंगे। लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण वाली जमीन थी, यह आपकी बेसैनिकृत क्षेत्र था। जर्मनी, पोसेन, राइनलैंड, उत्तरी स्लेस्विग, पेशा जर्मनी का भाग ही था। पोलैंड, फ्रांस, सालैंड, एसल्स, बेल्जियम। चलते हैं आगे हम लोग। युद्ध के असर का बात करते हैं, युद्ध का आखिर प्रभाव। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज लेने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्ज का कर्जदारों का महाद्वीप कहलाने लगा। जब इससे पहले, युद्ध से पहले यूरोप कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, यानी कि यह दूसरों को कर्ज देता था। युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया, यानी कि इस पर कर्ज हो गया दूसरे लोगों का। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य की हिमायतियों के में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे।
रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक की शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध में ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और विचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक ताकतवर मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंडकों की जिंदगी महिमा मंडल किया जा रहा था जिंदगी का, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इस खंडकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। बेलासों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देख रहे थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र का एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। हर जाना क्या होता है? किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना आपका हर जाना होता है। खंदक युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे होते थे आपके खंदक, ठीक है। राजनीतिक रेडिकल वाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। याद रखिए, जब भी कहीं भी युद्ध होता है बड़े स्तर पर, तो उसमें जीता या हारा कोई फैसला नहीं होता है, हारते दोनों ही लगभग है, ठीक है। उतना ही यानी कि हानि उसे भी होती है जो हारता है, उतनी ही लगभग जीतने वाले को, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से सैनिक मारे जाते हैं। तो इसीलिए तो आपके युद्ध नहीं होते छोटी छोटी बातों पर। आप भी अपने स्तर से देखते होंगे, अगर दोनों तरफ से लड़ाइयां होती हैं, आप किसी को मार देते हैं तो आपको भी हानि होगी, वो तो चल बसा, लेकिन आप जेल जाएंगे, आपका परिवार टूटेगा। तो इसे समझिए, जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूर और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। वर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म के शासन व्यवस्था की हिमायती किनारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों और डेमोक्रेट्स और कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। देखिए इस पिक्चर को। स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की जा रही रैली का दृश्य। फ्रेसियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बर्लिन के सामने आयोजित रैली 1918-19 के जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था। राजनीतिक प्रदर्शन रोजाना की घटना बन गया था इस समय। राजनीतिक रेडिकल विचारवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर जाना भी भरना पड़ा।
इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके की रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छपवाना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। जुलाई में अब 3,53,000 मार्क, अगस्त में 40,21,000 मार्क और दिसंबर में आपकी 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह 1 डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मनी नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन साम्राज्य दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं, तो इस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। मुद्रा की क्रय जो क्षमता होती है वो घट जाती है, ठीक है, और कीमतें सामान की बढ़ जाती है। आप भी सोचिए कि अगर 500 रुपये में आप अभी कोई फोन खरीद रहे हैं और आपकी मुद्रा की कीमत बढ़ जाए, मुद्रा की कीमत अभी जो 500 में मिल रही थी वो 1,000 हो जाए उसकी कीमत, तो उसकी कीमत मतलब आपकी मुद्रा की कीमत गिर चुकी है। वो आज भी उतने ही 500 की है, लेकिन बस आपकी मुद्रा कमजोर पड़ गई। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग कई के मन में रहता है कि सरकार पैसे छपा के करे क्यों नहीं, अगर कमजोर है, अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो पैसे क्यों नहीं छपवाने लगती है, क्योंकि वो तो मालिक है ना, कितना भी छपा सकती है। कई लोगों के मन में आया सवाल, ये पूछते रहते हैं, यही स्थिति होगी, समझ रहे हैं, जो जर्मन सरकार की हुई थी यही भारत की होगी अगर भारत अपने हिसाब से पैसे छपवाने लगे। ठीक है, वेतन, इस पिक्चर्स को दीजिए चित्र 4। वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे हैं। 1923 में जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती थी। यहाँ आपने देखा, पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी भरकर पैसे ले जाने पड़ते थे, समझ सकते हैं आप लोग। अभी भी आप देख रहे हैं 60, 65, 70 के आसपास चलता रहता है। 1 डॉलर आपके 70 रुपये के बराबर है। ये 1950 के लगभग ठीक स्थिति में था, तब से बढ़ना शुरू हुआ है, यानी कि हमारी करेंसी कमजोर है और अमेरिका मजबूत है। अमेरिका की हॉट करेंसी। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। इस चित्र को भी देखिए, रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग 1923 में, ये स्थिति हो जाती है युद्ध के बाद, समझ में आया। मंदी के साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया, तो जर्मनी को मिल रही यह भी मदद रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे।
24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेची गई। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 32 तक कि अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींच रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया में महसूस किया गया। आप भी कहते हैं, जानते हैं भी होंगे कि कहते हैं कि अमेरिका को अगर छींक आए तो दुनिया को सर्दी हो जाती है। समझ सकते हो आप इतना ताकतवर स्थिति में है अमेरिका। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या फिर उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल बना हुआ था। आप भी जानते हैं अगर कहीं बेरोजगारी फैलती है तो उनका दिमाग कहीं तो चलेगा ही, वहां पर आपराधिक प्रवृत्तियां करेंगे। 2014-15 में हमारी नरेंद्र मोदी सरकार आती है, 14 में उसने आप उसके बाद आपने देखा होगा 16 के लास्ट तक जियो फ्री कर दिया गया। बहुत जो डाटा था बहुत सस्ता कर दिया गया। तो हमारे यहाँ की जो आधी बेरोजगारी थी वो तो आधी तो इसी में समेट कर रह गई, टिकटॉक इस तरह की जो भी उसके टाइम पास करना। तो आपराधिक प्रवृत्ति नहीं बढ़ी। अगर आप सोचिए कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये नए नए उपाय करेंगे, यानी कि डकैती डालना, चोरी करना, इस तरह के काम करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा उसके बाद 2016 के बाद लोग रोड पर दिखने कम हो गए, अपने फोन में लगे रहे। तो मुझे लगता है यही सोची समझी चालती कि कम से कम सस्ता नेट करवा के अब आप उसे भी देख रहे हैं जो गांव में कुछ नहीं जानता है, अनपढ़ है, वो भी अपना फोन में फेसबुक पर लगा हुआ है। कम से कम मतलब अपने आप काम में सब लोग व्यस्त हुए। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ठीक है, इस चित्र को देखिए। लाइन पर सोते लोग, महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को ना तो वेतन की उम्मीद रहती थी ना ही ठौर ठिकाने की। जाड़ों में जब उन्हें सिर छिपाने के लिए जगह चाहिए होती थी तो इसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था, और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। मतलब पैसा खर्च करना पड़ रहा था लेकिन रोजगार था नहीं, कहाँ से आएगा पैसा। अब आप भारत में भी ये स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ लोग किसी भी कितने भी वेतन पर काम करने के लिए तैयार है। आप उन्हें कितना भी दे दीजिए, मैं तो यहाँ तक देखा है 2500 रुपये में लोग काम कर रहे हुए हैं। कितना? 2500 रुपये महीना। कई आपने देखा होगा दुकानों पर काम कर रहे हैं 2500 रुपये में। आप सोचिए 2500 में तो उनका खाने का व्यवस्था नहीं होता होगा, लेकिन क्या करें, बेरोजगारी है, ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने में से छोटे छोटे व्यवसायी स्वरोजगार में लगे लोग, खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। आप ही सोचिए कि आपको चलिए 1 लाख रुपए वेतन देते हैं महीने, और 1 लाख तुम्हारा जो वेतन मिलता है उससे आप एक फोन खरीद सकते हैं
कोई भी मतलब 1 किलो चलिए आटा खरीद सकते हैं, 1,000 का 1 किलो आटा, तो आपको फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको जो 1 लाख मिल रहे हुए हैं उनमें कितना 100 किलो आटा आएगा। तो उससे अच्छा है कि वेतन का भी मिले, लेकिन हमारी जो मुद्रा है ये ताकतवर, यानी कि इसका कीमत रहे सही। ठीक है, अब सोचिए आपके यहाँ जो 70 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है, वही एक अमेरिकी डॉलर में, 1 रुपये में, 1 डॉलर में पूर्ति हो जा रही है। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही डर रहा तो वे एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे, किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल में भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधि नेतृत्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंडलों के हाथ में रहा। उनकी औसत अवधि 239 दिनों से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इस सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। तो एक बात आप लोगों में से याद रखिए, गठबंधन की सरकार से बेहतर है कोई एक दल अपना अपनी दम पर शासन करे पूर्ण बहुमत के साथ, क्योंकि इसमें फिर जनता का ख्याल कम रखा जाता है। गठबंधन में अपने अपने दलों का ख्याल कुछ ज्यादा ही रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जहां गठबंधन होता है हमारे देश में, वहां विभागों को यानी कि मंत्रालयों को लेकर चर्चा होने लगती है, लड़ाई होने लगती है कि मैं ये मंत्रालय लूंगा, मैं वो मंत्रालय लूंगा। एक शब्द आपने ऊपर देखा होगा, सर्वहाराकरण। गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना सर्वहाराकरण कहलाता है। अब पहुंचते हैं हिटलर का उदय, देखते हैं हिटलर का उदय होता है। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी से गुजर रही थी। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया आपका अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है। रोजी रोटी का कोई जरिया ना होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अंतिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसके कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिलाकर हिला ही दिया था, लेकिन वारसाई की संधि ने उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इस पार्टी के बाद नास्ती पार्टी के नाम से जाना गया इसे बाद में, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को बाद में से नास्ती पार्टी के नाम से ही जाना जाता है।
1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं पर में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाजी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद में एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइकिस्टा के लिए हुए चुनाव में महज 2.6 यानी कि 2.6% वोट मिले। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। उसे 37% वोट मिले थे से किसे नाजी पार्टी को, हिटलर की पार्टी। ये देख रहे होंगे न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत, ये 1938 की पिक्चर है। प्रोपेगेंडा जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार पोस्टरों, फिल्मों, भाषणों आदि के माध्यम से किया जाता है। आप लोग सुनते हैं कई बार तुम्हारा प्रोपेगेंडा क्या है, ठीक है, वही है। ये आपका न्यूरेमबर्ग रैली 1936 की है। इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती थी। नाजी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे, उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे, उसकी भाषण सुनते थे। हिटलर जबरदस्त वक्ता भी था, उसका जोश उसके शब्द लोगों को हिलाकर देते थे, जिस तरह से आपके नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनके भी शब्द आदमी को हिला के रख देते हैं। कभी कभी तो आप ही रोने लगेंगे, इतना खतरनाक प्रभावित करते हैं जनता को। जब बोलते हैं भाइयों बहनों मैंने किस लिए देश छोड़ा, तब हिल जाती है जनता, देखा होगा आपने। वो अपने भाषणों में एक राष्ट्रवादी राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना और साय संधि में हुए नाइंसाफी के प्रति शोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। चित्र 9, हिटलर द्वारा SA और SS कतारों के सामने भाषण। यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए। इस तरह के चित्रों के माध्यम से नाजी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती है। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा हुआ करती थी। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती है जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। ठीक है, अब चलते हम लोग लोकतंत्र का ध्वंस। लोकतंत्र का ध्वंस
यानी कि लोकतंत्र का विनाश। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद बाहर संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद में भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी कि फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। यानी कि अब जो आपको आर्टिकल 19 के तहत आपके देश में, भारत की बात कर रहा हूँ, जो आपको अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं मिली हुई है, इसी तरह की जर्मनी में भी हुआ करती थी। तो आपका 28 फरवरी 1933 को समाप्त कर दिया है, निलंबित कर दिया। इसे आप लोग इस नजर से देख सकते हैं कि जैसे आपके राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब अभी करेंट में, ठीक है, बात कर रहा हूँ 2020 की, तो ये क्या करें कि एक अध्यादेश लाएं। तो अध्यादेश लाने का मतलब होता है कि या तो आपका लोकसभा, आपका संसद सदन ना चल रहा हो तब अध्यादेश लाया जाता है आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। तो एक अध्यादेश लाएं और आर्टिकल यानी कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दें आपकी, यानी कि निरस्त कर दें। तो इसी तरह इसमें हुआ अग्नि अध्यादेश में। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्टेंशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी पर वाली ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाथियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाथी शासन में कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। फिर क्या होगा, आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपके अधिकार खत्म हो जाए, आपको कानूनी अधिकार जो मिले हुए उन्हें भी खत्म कर दिया जाए, तो आप किसी के सामने जा भी तो नहीं सकते हैं, कोई आपको मार रहा है ना तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ना ही उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। अभी अगर आपके अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जाते हैं और आपको वहां से निर्णय यानी कि आपकी रक्षा की जाती है, उनके द्वारा आपको न्याय मिलता है। जब आपके अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा तो इस तरह की कोई व्यवस्था आपके सामने नहीं होगी, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं होगा। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित कर दिया। इसे आप लोग 1975 से 77 का समय ले सकते हैं हमारे भारत में, इंदिरा गांधी का समय, ठीक है, क्योंकि काफी हद तक इंदिरा गांधी ने भी यही किया था, ठीक है। आपने देखा होगा मीडिया, कई लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, कई संशोधन किए गए उस समय आपके 1976 में आपने 42वां संविधान संशोधन सुना होगा, फिर 1948 में आपका, सॉरी 42वां संविधान 1976 में होता है, फिर आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, तब आपके हटा दिए जाते हैं जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, ठीक। उसे
हमारे संविधान का काला दिन भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी की उस पीरियड को, मतलब 1975 से 1977 का समय। कंसन टेंशन कैंप, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। एक कंसन टेंशन कैंप बिजली की का करंट दौड़ते कंटीले तारों से घिरे रहती थी, यानी कि निकलने की व्यवस्था नहीं होती थी। पूरे समाज को नाथियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षित दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स, ऐसे के अलावा गिस्तापो, गुप्तचर राज पुलिस, SS यानी कि अपराध नियंत्रण पुलिस, सुरक्षा सेवा यानी कि SD का भी गठन किया गया। इस नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाथसी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गिस्तापो की नियंत्रणा गिरोह में किसी भी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गिरोह में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्ति मुक्त पुलिस वालों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इंसानों की हालत जानवर से बदतर हो चुकी थी उस समय। आप समझ सकते हैं कि आप ना तो किसी के सामने रो सकते थे, ना किसी के सामने न्याय के लिए जा सकते थे। अब चलते हैं हम लोग पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हरल मार साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसों से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्स वैगन इस परियोजना की देन थी। इस चित्र को आप लोग देख रहे होंगे, पोस्टर से घोषणा करता आपका फॉक्स वागन। इन पोस्टरों के जरिए यह एहसास कराने की कोशिश की जाती थी कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फॉरेन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया उसने। एक जन एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे पर वाले जर्मनी वासी सुडेंट लैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नजर में वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों में ऐसा लगा कि देश की नीति अब पलटने वाली थी। नाथसी सत्ता का विस्तार यूरोप में 1942 का ये चित्र है, ठीक है। बेहतर जर्मनी, ये आपका जर्मनी, धुरी शक्तियों को मदद देने वाले देश, ये फिनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। जर्मनी कब्जे वाले इलाके, यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, ग्रीस, इटली और इसके इलाके, इटली और इसके इलाके, अल्बानिया, तटस्थ देश, या कि स्पेन, आयरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, या कि तटस्थ देश थे, देख सकते हैं आप इस तरह से। लेकिन हिटलर यही नहीं रोका। साख्त ने हिटलर की को सलाह दी थी कि वह सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी आधे घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाथसी जर्मन में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया।
हिटलर ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हुआ। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज्यादातर दो देशों ने नाथी जर्मन का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। और याद रखिए, आपका सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला होने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आपका शुरू हो जाता है। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने की दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया, जिसे आप लोग आज रूस कहते हैं। इसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था। इसका विघटन आपका 1991 में किया गया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफी थी। इस आक्रमण में से जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना जर्मनी को नाकों चने चबा दी। आंखों की आप लोग सुनाते भी होंगे इस तरह की कहावत, नाकों तले चने चबाना क्या होता है। सोवियत लाल सेना ने स्टालिन ग्राद में जर्मनी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मनी सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में भी बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत का वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती ही जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया। प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया, तब पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे युद्ध में विश्व युद्ध में खून पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय, जापान की हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म होती। तो 1939 से शुरू होता है, 1945 में जाकर यह युद्ध आपका खत्म होता है। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाथी जुर्मों की कहानी थी आपकी। ये आपके भारतीय समाचारों में जर्मनी के हालात पर नजर। अब बात करते हैं नाथियों का विश्व दृष्टिकोण। नाथियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नास्ती विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का नहीं था। वे नस्ली आधार पर तो बेहतर थे या फिर कमतर थे। इस नजरिए में ब्लोंड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आए सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच रखा जाता था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया। आप भी जानते हैं
ये डार्विन वही है जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत की अवधारणा दी थी। बाद में हार्वर्ड स्पेंसर ने अति जीविता का सिद्धांत यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया था। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, वही पृथ्वी पर आप ही जिंदा रह सकते हैं। आप ही सोचिए कि अगर आप भी अगर पुराने जमाने जैसा व्यवहार करें, यानी कि पहले के लोग तो जंगल में रहते थे, तो क्या जिंदा रह पाओगे आप? या तो भूख से मर जाओगे, भूख से बन जाओ मर जाओगे, तो दूसरे का भोजन बनकर शिकार हो जाओगे। ठीक है, अब आपको ऊपर कन्याकुमारी से नीचे कन्याकुमारी से आपको जाना है कहाँ? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर जाना है। आप सोचेंगे बैलगाड़ी से चलते हैं तो संभव है? बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप बदलते रहेंगे, तो बदलना ही तो नियम है प्रकृति का। यहां हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था। उसने इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की, लेकिन नस्लवाद विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपनी साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाथियों की दलील बहुत सरल थी, नाथियों की दलील थी ये बहुत ही सरल थी, जो नस्लवाद सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपना शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है, वो दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। ये तो आप उसी तरह से समझ सकते हैं एक नेता की तरह, कि धर्म में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि तुम किसी के धर्म को नीचे नीचा दिखाओ, किसी को मारो काटो, लेकिन हमारे नेता क्या करते हैं कि अपने धर्म को ऊपर उठाने लगते हैं, दूसरे के धर्म को गिराने लगते हैं, उस धर्म में कोई अपनी राजनीति का करने का एक जरिया बना देते हैं। तो इसी तरह इन्होंने डार्विन के सिद्धांत को भी उसका दूसरे अर्थ में प्रयोग करके जनता को भटकाया। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेवेंस त्राउम या फिर जीवन परिधि की बहुराजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है, इससे मात्र क्षेत्र का फैल क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर को नजर में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती है। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था, ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा को पहली प्रयोगशाला बना। यह आपका कुछ पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं। यह पृथ्वी ना तो किसी को हिस्से में मिली है और ना ही तोहफे में, नीति में है, उन्हें सौंपी है, जिनके हृदय में इसको जीत लेने का और इसको बचाए रखने का साहस है और जिसके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। नॉर्डिक जर्मन आए आए आर्य बताने बताए जाने वालों की एक शाखा। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मनी या फिर जर्मन मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लॉन्ड, नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले लोगों को ब्लॉन्ड कहते थे। अब हम बात करते हैं नस्लवादी राज्य की स्थापना के बारे में। सत्ता में पहुंचते ही नास्तियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ल समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन साम्राज्यों
या फिर नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें भी अवांछित मानते थे। नाथसी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। नाथसी उनकी नजर में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाथसी अशुद्ध या फिर असामान मानते हैं। आप लोग इसे उस तरह से देख सकते हैं कि प्राचीन काल में, मध्य काल में और अभी प्राचीन आधुनिक काल तक आपने देखा होगा अवांछित शूद्रों को जो आपके वैश्य थे, इन्हें अवांछित मानते रहते थे, यानी कि ये इनसे छुआछूत की भावनाएं रखते रहते थे। फिर आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 आया, उसके बाद आपका 1993 भी आया, 1976 में संशोधन किया गया इसी को हटाने के लिए। तो इसी तरह ये भी आप इन्हें अवांछित मानते थे, यानी कि असामान्य अशुद्ध। यूथेनिजिया दया मृत्यु मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाथसी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या फिर शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। इस चित्र को देख रहे हैं आप लोग, पुलिस के पहरे में ऑस्विट्स भेजे जा रहे जिप्सी 1943-44 की पिक्चर्स है। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नीति के लिए अभिशप्त थीं। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और आश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई, उसके बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नाथसी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ था। यहूदियों के प्रति नाथियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। जिस तरह से आप लोग अभी भी लेते रहते हैं, इस तरह की राजनीति देखते रहते हैं कि गांधी को किसने मारा था, नाथुराम गौड़से ने, फिर राम मंदिर का मुद्दा उठता रहता था, तो इसी उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। ईसाइयों की नजर में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे, यानी कि इन्होंने ईसाई धर्म ने यहूदियों को हत्यारा और सूदखोर साबित कर दिया था, ठीक है, इसलिए इनके प्रति ज्यादा कुछ नफरत फैलने लगी थी। समय मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी कि दड़वा कहा जाता था। नस्ल संघार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब जब संगठित हिंसा की जाती थी तो उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयतों ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था, यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। इसे आप लोग पाकिस्तान की तरह ले सकते हैं। पाकिस्तान में जब हमारे यहाँ बंटवारा हुआ तो एक बड़ा हिस्सा भी हिंदुओं का पाकिस्तान में भी गया था, लेकिन अब कहते हैं कि उसका हिस्सा का कई गुना छोटा हिस्सा बचा हुआ है, मतलब कई को या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया गया या फिर मार डाला है वहां, ठीक है। आधुनिक काल में बहुत सारी यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए, लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छदम वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नाथियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला।
यहूदी देश छोड़कर जाने लगे उस समय 1939 से 45 के बीच दूसरे दौर में यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को खुद कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। यहाँ कुछ आपके शब्द हैं, इन्हें भी देख लीजिए। जिप्सी, जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक पहचान पहचान थी। सिंधी और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। सूदखोर, बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन हुआ करते थे। इस शब्द का प्रयोग गाली के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। गेटों की अगर बात करें तो किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना घेटो कहलाता था। अब बात करते हैं हम लोग नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया। युद्ध के साय में नाथसी अपने कातिलाना नस्लवादी और कल्पना लोक या फिर आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए थे। जनसंहार और शुद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। इसके द्वारा उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला दिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल आसाब असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, ताकि जर्मनी के कब्जे वाली यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन कर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर भी नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनसे ज्यादातर बच्चे मर जाते थे। उनमें से जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ये भयानक दृश्य आपके पोलैंड वासियों का हो रहा था जर्मनी के द्वारा। ठीक है, यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी थी, समझ सकते हैं, यानी कि जिस तरह से भेड़ बकरियों को आप लोग ट्रक में देखा होगा भरा हुआ, उसी तरह से भर दिया जाता था। एक भयानक दृश्य था ये। मौत का सिलसिला, पहला चरण बहिष्कार 1933 से 39 तक। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिनियम सितंबर 1932। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षक मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई, समझ सकते हैं। अन्य कानूनी उपाय की बात करें तो यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार कर दिया गया। सरकारी सेवाओं से निकाला गया इन्हें यहूदियों को। यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री रोक दी गई। इसके अलावा नवंबर 1938 के नरसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर जो थे इन्हें जला दिए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन गिलास के नाम से भी याद करते हैं। ये पार्क में रखी ब्रेंच केवल आर्यों के लिए थी, ठीक है, मतलब समझ सकते हैं एक जानवरों से बदतर व्यवहार किया गया यहूदियों के साथ। इस संकेत पट में ऐलान किया जा रहा था कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। चित्त 17, मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरा चरण दड़वाबंदी 1940 से 44। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया
कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान छिप चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्व क्षेत्र के लोदच एवं बोरसा जैसे घेटों बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। गेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में गेटों बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारी का साम्राज्य प्राप्त हो गया। समझ सकते हैं क्या दृश्य होगा वो। तीसरा चरण की बात करें तो सर्वनाश 1941 के बाद तुम्हें जीना का अधिकार नहीं। चित्र जो 18 देख रहे हैं आप, इसमें भागने की कोशिश में मौत यापना ग्रह के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता रहता था। ये आपके गैस चैम्बरों के बाहर कपड़ों के ढेर, समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यापना ग्रहों, घेटों, बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों से में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑसबिट्स, सोबीबोर, त्रिवलिंगा, चिल्मेनो, माय तथा मायन मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। समझ सकते हैं आप लोग, कभी इनकी जगह रखकर देखिए तब समझ में आ सकता है। ये आपका एक यातना गिर रहता है, यही 21 चित्र आप जो देख रहे हैं, ये यातना ग्रह कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। ये चित्र देख रहे हैं आप लोग, अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते थे, किस तरह से ढेर लगा हुआ। चलते हैं आप लोग आगे, नाथ जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाथसी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाथसी विचारधारा की गुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों का पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाथसीवाद के दौरान स्कूल में क्या हो रहा था, तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई और यहूदी या फिर राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले यहाँ से नौकरी से हटाया गया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों जिप्सियों में बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। इस चित्र को देख रहे हैं आप लोग, सामने चित्र यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र। अर्नेस्ट हिमर, न्यूरेमबर्ग डियर स्टूर्मर 1938 द्वारा रचित डियर गिफ्ट फिल्म बिसेला मशरूम से पृष्ठ नंबर 7 से चित्र का शीर्षक इस प्रकार है, यहूदी नाक सिरे पर मुड़ी हुई है। यह अंग्रेजी के अंक 6 जैसी दिखती थी, यानी कि सीधा सा मतलब था नफरत पैदा करना। फिर चाहे वो आपका क्लास में कहीं पढ़ाई से नफरत पैदा की जाए या फिर कहीं संस्कार से, किसी भी तरह से नफरत भरना था बस यहूदियों के प्रति। अच्छे जर्मन बच्चों को नास्ती शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में विचारित नासी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों को की एक खास छवि पढ़ने की कोशिश करने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती है। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी मुक्के
तुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। इस चित्र को देखिए आप, बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली में भी के बीच भी यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। एल्विरा बाउअर न्यूरेमबर्ग डियर स्टोर्मर 1936, रचित ट्राउ की नेम जोड़ जुड़ आउ ग्रोनर हीद इन बिल्डर वो फोर ग्रॉस उन क्यों गेन हाथ हीत में किसी यहूदी पर यकीन ना करो। छोटे बड़ों के लिए एक चित्र पुस्तक से ये आपका दिख रहा है। जर्मन बच्चों युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई थी। 10 साल की उम्र के बच्चों को यूंग फॉक में दाखिला करा दिया जाता था। 14 वर्ष की उम्र में सभी लड़कों को नाथसियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे शुद्ध की उपासना, आक्रामकता, अहिंसा, लोकतंत्र की निंदा यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाथसी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। एक बात समझ सकते हैं आप लोग एक तरह से पूरा कि उनका जन्म से लेकर यानी कि पूरे मरने तक की पूरा क्रम निर्धारित यानी कि इन्हीं के ऊपर नाथसी जो भी इनका संगठन था इसी की जिम्मेदारी पर रहते लोग के बचपन से ही इनके मन में एक यहूदियों के प्रति नफरत भरी जाती थी। आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपने देखा होगा फिर चाहे आपके यहाँ जो भी आतंकी हमला होता हो मुंबई का देख लीजिए आप लोग कि यार या फिर कोई आता है जो अपने आप को बम से उड़ा लेता है पाकिस्तानी होता है तो एक समझ लीजिए उन्हें पता होता है कि जैसे इंडिया जा रहे हैं अगर तुम यहाँ बम धमाका करते हैं या फिर आप कोई भी काम करते हैं आतंकी तो आप बच के तो निकलेंगे नहीं 100% मरना तो है आपका तक। लेकिन इतना दिल जिगर तो होना चाहिए कि मालूम है कि सामने मौत है फिर भी हम जा रहे हैं। तो कहते हैं कि बचपन से ही इनमें नफरत भरी जाती है इंडिया के प्रति आपके भारत के प्रति इन लोगों में नफरत भरी जाती है और ये मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। ठीक है तो ऐसा ही आपका यहूदियों के प्रति इनके बच्चों से लेकर शुरू से जब से इनमें सोच की भावना पैदा होती है तभी से इनमें यहूदियों के प्रति नफरत की भावना भर दी जाती है। फिर आपकी इसमें यहूदी कम्युनिस्टों जिप्सियों व आवांछितों से घृणा करने की सबक देते रहते हैं। यूंग फॉक यह 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाथसी युवा संगठन था। यूंग फॉक 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नाथसी विचारधारा की शुरुआत प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। यानी कि सीधा सा मतलब है आपका कि जिस तरह आपने देखा होगा कोई संसद चुनकर जाता है तो वो आपके संविधान की शपथ लेता है उसी तरह इन बच्चों को हिटलर की शपथ की प्रतिष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूअर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक हूँ और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। साइरर ए द राइच एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइट ने से लिया गया है। ठीक है जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था कि हम सभी तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा सोचने लगता है उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है लेकिन यह सब
कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं। लीवर पटंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या फिर वो कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ता, मतलब मरने तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है, बचपन से लेकर पैदा होने से लेकर लगभग। ठीक है, इस पिक्चर्स को देख रहे होंगे आप। मौत के कारखाने में आती यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा, ये चित्र देख रहे होंगे। वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था, ये आपका चित्र 26। कब्जे वाली यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी मां के साथ। और आप यहां से सोच लीजिए, अगर यहां से कोई भी शिक्षा देंगे आप लोग तो वो बच्चा उसी में ढल जाएगा। अब आप 24 घंटा उसके सामने कहेंगे कि मार मार गाली 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 बकते रहेंगे तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि गाली बकना शुरू हो जाएगा। और आपने अक्सर देखा होगा आपके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो अपने आप उसे हिंदी आप सिखाते नहीं है पर बोलने लगता है हिंदी, बोलने लगता है। वो जो इंग्लैंड में बच्चा पैदा होता है उसे अंग्रेजी सिखाई नहीं जाती है, वो अपने आप सीख जाता है क्योंकि वहां की भाषा ही इंग्लिश है। ठीक है, और हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो समझ सकते हैं कि मतलब शुरू से बच्चा अपने आप सीखता जाता है, बस उसके सामने वो परिस्थितियां पैदा की जाती हैं। अब खाना खिलाना किसी ने तुम्हें सिखाया था कि देखते देखते सीख गए सब। नास्ती यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था, 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया, यानी कि नास्ती यूथ का नाम बदलकर हिटलर कर दिया था। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नास्तीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। मातृत्व की नाक्सी सोच। नाक्सी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक मर्दाना पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नासी मूल मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी महिलाएं। एक बात आप लोग हमेशा देखते हैं कि अपने आप ही महिला पुरुष के बीच खाई एक दिन में नहीं गढ़ दी गई है, ये आपके बचपन से ही गढ़ दी जाती है। आपने देखा होगा आपके परिवार में। अब आप लोग इसे अपवाद में मत बताने लगिएगा कि अगर दूध होता है घर में तो आपको एक गिलास दूध दे दिया जाता है लड़के को, वहीं बहन को इससे वंचित रखा जाता है। तो असल में खाई यहीं से शुरू हो जाती है। बच्चे को मोबाइल यानी कि गन से खिलाया जाता है, सेल से खिलाया जाता है और मैं उसे लड़की को किससे गुड़िया दे दी जाती है। यहीं से कमजोरी यानी कि नफरत एक तरह से कह लीजिए आप लोग, इनके बीच खाई बढ़ने लगती है। ठीक है, आप सोचिए कि दोनों का पालन पोषण एक जैसा किया जाए तो कोई अंतर नहीं रहेगा। उसे भी आप अगर बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए तो उसे भी भेज सकते हैं। ठीक, 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा वर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित देने वाली देखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी, थिएटर व रेलगाड़ी के टिकटों में उन्हें रास्ते सस्ते में टिकट मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था।
यानी कि जो माँ जितने अधिक बच्चे पैदा करेंगी उन्हें उतना ही बड़ा इनाम दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों को कि सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कलिक पोत कर और उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैं राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है मैंने। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी जाती थी, बल्कि उनके उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। समझ सकते हैं आप लोग किस तरह से हालत थी। न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने क्या कहा था, इसे सुन लीजिए। हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द की दुनिया में उनके मुख्य दायरे में दखल दें। हमारी नजर में यह कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग है। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में योद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वोच्च निछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने आनंद आत्मबलिदान अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती है। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक योद्धी है। अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छोड़ा गया यानी कि छेड़ा गया यह एक युद्ध। प्रचार की कला। नाजी शासन ने भाषा और मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा भी उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नास्तियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या फिर मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में यूथनिजिया विकलांगों के चयन के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। एविक्यूएशन खाली कराना काश था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? इस समय उन्हें संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे, उनमें नकली फब्बारे भी लगे होते थे। आप मीडिया की यहां भूमिका की बात आई भाषा की, तो आप माफ करिएगा, आप लोग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में मत लीजिए इसे, ठीक है? और हमें समझना है, ना तो हमें किसी पार्टी से मतलब है ना किसी नेता से, बस हमें किसी तरह से इन शब्दों को समझना है। आप सोचिए कि 2016 के बाद आपके देश में नेट फ्री होता है, जिस मोदी को देश में कई लोग नहीं जानते थे, नीचे का तबका वो भी जान ले लगा, और 2019 में बहुमत, इतना पूर्ण बहुमत यानी कि इतनी शक्तिशाली जीत का कारण मैं अपनी तरफ से इसको मीडिया सोशल मीडिया को देता हूँ। क्योंकि फिर चाहे आप कोई भी स्ट्राइक हो या फिर चाहे कोई भी पाकिस्तान को कि मुंह की खिलाना हो यानी कि उसे झटका देना हो, इन सब की न्यूज हमारे नीचे के तबका है जो इंसान उस तक पहुंच जाती थी। और जो भी ये मोदी की जिंदगी रही है, बचपन रहा है, उनके जो भी भावनात्मक भाषण रहे सब नीचे के तबके तक रह गए। तो याद रखिए जो नीचे का तबका है ये भावनाओं में ज्यादा बह जाता है, समझ रहे हैं? और देश प्रेम के लिए ये जान देने के लिए तैयार रहता है, और राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है इनके लिए। खाना पीना घर में हो या ना हो, लेकिन इनके लिए राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो यही कारण था कि इतनी बड़ी जीत थी मोदी सरकार की, ठीक? इसे भी देख लीजिए, न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को ही हिटलर ने यह भी कहा था कि औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तथ्य है। इसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसी के बच्चे हैं और जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरतों को भी वही जगह दी जो प्रकृति और नीति के अनुसार है। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाजी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाजी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों
आकर्षक नारों और इस तथारी पर्चों का खूब सहारा लिया गया। एक तरह से नेताओं का काम कर रहा था ये। ठीक, पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत पैदा फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू यानी कि अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था, उन्हें दाढ़ी बढ़ाए कप्तान चेउगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों को और बाकी जर्मनी के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफी घुल मिले हुए थे। उन्हें कैचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना में कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। नासीवाद ने लोगों के दिलों दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनकी गुस्से और नफरत को अवांछित पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नास्तिकवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। आप लोग एक बात हमेशा समझते हैं कि जब हम किसी को गलत ठहराना शुरू करते हैं, हमें मालूम है कि वो गलत नहीं है सामने वाला व्यक्ति, लेकिन हम पूरी हद पार कर देते हैं। आपने किसी भी रिश्ते में, मैं किसी पर्टिकुलर रिश्ते को भी नहीं ले रहा हूं, कि जब आपको किसी को सामने वाली को बुरा ठहराना होता है, उसकी उसे उसे मतलब गलत ठहराना होता है, मालूम है कि हम गलत हैं वो सही, लेकिन हम किसी भी हद को पार कर देते हैं। और इस समय में 21वीं सदी में भले हम जा रहे हो, लेकिन हमारे अंदर की इंसानियत दफन हो चुकी है। यहाँ तरक्की की चाह में अपने आप को बेच नहीं सकते हैं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। या कुछ भी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, बस हमें तरक्की चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। कभी अपने आप से मिलते ही नहीं है कि आखिर हम इस तरक्की को पाकर भी संतुष्टि क्या पाएंगे, कभी नहीं। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, जो आप देंगे वही वापसी मिलेगा। बस किसी के सपनों से किसी की जिंदगी, किसी को रुला के मत कोई भी सपना पूरा कीजिए, क्योंकि अगर ये सपना पूरा हो भी जाए तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखिए, और कोई आप इतिहास नहीं रच पाएंगे इस तरह के कर्म करके। ठीक है, तो एक इंसानियत रखकर आप सबको साथ लेकर, जो जीत अगर होती है, अगर छोटी भी जीत हुई तो वो आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। ठीक है, नासियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया, उनकी समस्याओं को सिर्फ नासी ही हल कर सकते हैं। ये देख रहे होंगे चित्र, यहूदियों पर हमला करता एक नास्ती पोस्टर। चित्र के नीचे दी गई पंक्तियां, पैसा ही यहूदी का भगवान है, पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है, वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर ना बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा ना बन जाए। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पार्टों के बीच पिस रहा है, एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का। बड़ा पूंजी और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं, ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इस खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। ये आपका 1932 में छपे एक नास्ती पर्ची में, यह पोस्टर दर्शाता है कि किसानों को नास्ती किस तरह आकर्षित करते थे। इसे भी देख रहे होंगे पोस्टर को, 20 के दशक का एक नास्ती पार्टी पोस्टर है। इसमें हिटलर को अग्नि मोर्च पर योद्धा सिपाही बताकर उसे वोट देने का किया जा रहा था। एक सीधा सा मतलब है कि फिर चाहे आपका कोई भी वर्ग हो समाज का, सब में नास्ती इन अवांछित
लोगों के प्रति घृणा फैलाई जा रही थी, यानी कि नफरत भरी जा रही थी, फिर चाहे आपके किसान हो, ये किसी भी माध्यम का प्रयोग करने के लिए तैयार थी। ठीक है, बस इन्हें नफरत से मतलब था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इन्हें भी याद रखिए, कभी पूछ लेता है, और आपको भी जनरल नॉलेज के लिए याद रहना चाहिए। 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए इस युद्ध में, और आपका युद्ध समाप्त हो जाता है। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान होता है। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड से घुसना होता है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। आपने देख ही लिया है कि जैसे ही जर्मनी पोलैंड पर हमला बोलता है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं। 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू होता है। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी आपका दूसरे विश्व युद्ध में खून पड़ता है, इसे याद रखिएगा थोड़ा। 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें ऑस्विट्ज को मुक्त कराती। 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है, और यहाँ आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग, यहाँ मैं आप लोगों को कोई भाषण नहीं देता कि कभी किसी रिश्ते को किसी के साथ बुरा मत करिएगा। मैं आज भी कई ऐसे लोगों को जानता हूँ पर्सनल, कि जो तर्क की बात चुके हैं फिर भी रोते हैं। समझ में आया? क्यों? सब कुछ पा लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम जो सपने देखने जा रहे हो वो सब कुछ पा चुके हैं वो लोग। किसी पर्टिकुलर को नहीं ले रहा हूँ, लड़की लड़का दोनों का, कई लोगों से ऐसा मैं मिला हूँ कि आज वो बैठकर रोते हैं और कहते हैं कि मैंने उसके साथ बुरा किया था, मैं इस तरक्की के लिए हमने चुकाया, इसके सपनों को गिराया आपसे। तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में संतुष्टि नहीं पा पाएंगे आप लोग। पर आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें। ठीक है, नास्तिकवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है? बहुत सारे लोग नास्ती शब्दांडर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया की नास्ती नजरों से दिखने लगे और अपनी भावनाओं को नास्ती शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी भी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों में शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नास्तिकवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नास्तिक नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नास्तिकवाद का जमकर विरोध भी किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपने मतभेद व्यक्त करने, नास्तिकवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल दिया देना ज्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निमेवलर ने नास्तियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नास्ति साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्दम मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मरम स्मरसी ढंग से लिखा है। पहले भी कम्युनिस्टों को ढूंढते थे, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स ढूंढते थे, मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। इसे आप लोग एक शब्द से समझ लीजिए। आप लोग अक्सर देखते हैं, आप गांव के बड़े आदमी हैं,
ठीक है, या किसी शहर की कह लीजिए, कहीं भी। सबसे पहला आपके यहाँ आता है कोई, और आपके यहाँ जो निचले तबके की जाति है उसे मारना पीटना शुरू करता है। फिर थोड़ा उनसे ऊपर जो जाति थी उसे मारना पीटना शुरू करता था। आप आंख बंद करके तमाशा देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे क्या लेना देना। फिर उनसे ऊपर आता है, इसी तरह आपकी गर्दन तक उसका हाथ पहुंच जाता है, कॉलर तक। तब आपको समझ में आता है कि हमें शुरू में ही इसका साथ दे देना चाहिए था, उनका जो पिट रहे थे तभी अपना विरोध जताना चाहिए था। लेकिन हम में से अक्सर लोग एक मुर्दा बनकर इन सभी स्थितियों को देखते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी भी व्यक्ति को अगर परेशान किया जा रहा है या किसी के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है तो हम चुपचाप आंख बंद करके देखते रहते हैं, या फिर किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी दूसरी की फैमिली। और जब हमारी फैमिली पर वो बात आकर बीतती तब हमें पता चलता है कि ये क्या, और तब हम विरोध करना शुरू करते हैं। लेकिन तब तक वो परिस्थिति खत्म हो जाती है, समझ सकते हैं। तो कहीं किसी को कोई छेड़ रहा है, किसी महिला को, तो आपको वहां आवाज उठानी चाहिए, आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है कल आपकी परिवार की कोई महिला वहां हो, ठीक। तो अपनी हर आदमी की इतनी तो यार कर्तव्य बनता है ना कि कहीं किसी महिला के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आपको वहां आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। और कोई महिला भी है तो उसे भी आवाज उठानी चाहिए, कोई लड़की है तो वो भी आवाज उठाए वहां, क्योंकि कल हो सकता है तुम भी उस जगह पर खड़ी हो, उस महिला की जगह पर। तो इसलिए चुप रहना एक मुर्दों का काम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो होगा निपटा जाएगा, कम से कम इंसान तो बनकर जिएंगे। लेकिन अधिकतर इंसान मुर्दा बनकर जीते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है देश दुनिया में, अपना पेट भरने से मतलब है। क्या नास्तियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नास्तीवाद, नासीज ए वार्निंग फॉर हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इस सिलसिले में उन्होंने एना क्रोन्स से भी बात की, जो 1930 के दशक में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी थी। एना ने रीस से कहा, 30 के दशक में मैं एक उम्मीद सी दिखाई देती थी, यह बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बड़ी थी और जर्मनी को मानो अपनी उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यह लगता था कि वह अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। यहाँ जो बच्चे थे उनकी ये कहानी बता रही है वो लोग, मतलब वो सही ठहराती थी से। नासी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स था। शार्लटे ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नास्तियों द्वारा फैलाई जा रही रोड़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई बाल व आंख काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नास्ती प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीर छपती थी वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बरों में बहुत से पहले ही दम छोड़ तोड़ गए थे। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप दिन में कुछ भी सोचते रहते हैं, भयानक सोचते रहते हैं, 24 घंटा आपके दिमाग में वही वही चलता रहता है। तो आप भी देखते हैं कि आपके मन में भी सपना आने लगता है, आप जब जागते हैं फिर भी आपको लगता है कि ये शायद वो है, ठीक है। तो इस तरह से आप 24 घंटा जो भी सोचते हैं वही दोहराते रहते हैं, सपने में भी वही आता रहता है। महाध्वंस होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी है। नास्ती तौर तरीकों की जानकार नासी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में,
दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखें जो उन्होंने नासी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस यानी कि होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बता कर जाना चाहता था कि नासी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था, जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम चाय गेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। उनमें से बहुत से डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों का संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नासियों की पराजय तय ही है, तो नासी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य चित्रों, शहरी स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उस स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए भी चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से इन सबको देखते रहे। यानी कि यहाँ इसके लिए जिम्मेदार हर पक्ष था। आप भी समझते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा कई जगह कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला जिम्मेदार होता है, और जुल्म सहने वाले से ज्यादा जिम्मेदार होता है वहां जो तमाशा देखता है। ठीक है, इसे देख रहे होंगे आप लोग चित्र को। वॉरसा गेटो के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठा कर किया, उन्हें दूध के 3 टीनों में रख दिया। जब यह तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में 3 कनस्तरों को अपनी कालकोठरियों के तहे खाने में दबा दिया। एक कनस्तर 1950 में लोगों के हाथों लगी। इससे भी हमें जानकारी मिलती है यहाँ के बारे में। ये 32 चित्र देख रहे होंगे। डेनमार्क ने अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल लिया था। इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से एक नौका ये है आपकी। यहाँ आप गांधी जी ने हिटलर को लिखा पत्र। इनमें जमीन आसमान का फर्क था दोनों में, क्योंकि गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे और अहिंसा के पक्ष में थे, लेकिन हिटलर को देख रहे हैं आप लोग कि हिंसा के पूर्ण समर्थक थे। उनके शरीर में खून की जगह हिंसा ही दौड़ रही थी। हिटलर को गांधी का पत्र वर्धा मध्य प्रांत भारत से लिखते हैं 23 जुलाई 1947 को। प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना दृष्टता होगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए। मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकते हैं। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीकों का त्याग कर दिया और इसमें इसे काफी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं हूं आपका सच्चा मित्र मोहन करमचंद गांधी, या आपके करमचंद गांधी साहब लिखते हैं। हिटलर को गांधी का दूसरा पत्र 24 दिसंबर 1940 को। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई जिससे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा है कि हिंसात्मक तरीके से पराजय नाम की कोई चीज है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में हम धन की लगभग कोई जरूरत नहीं। हमें
उस बिना शास्त्र की भी की तो नहीं जिसे आपने पूर्णता के लिए चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक करोड़ कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कितनी ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों ना किया गया हो। अतः मैं मानता हूँ, मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्धरोप देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र मोहन करमचंद गांधी। ये दो पत्र लिखते हैं आपके हिटलर को गांधी साहब। तो इसके साथ ही आपका इस चैप्टर का अंत होता है और ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप पीडीएफ इनकी डाउनलोड कर सकते हैं पूरी बुक्स की और टेलीग्राम पर डली हुई है, ठीक है। तो चलिए हम तीसरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगले चैप्टर में बात करेंगे वन समाज और उपनिवेश बात के बारे में।